हेलो एंड वेलकम टू बिजनेस बाजी। सेमीफाइनल की जंग में तीन अमेजिंग टीम्स, उनके जुनून, उनका टैलेंट और उनकी मस्ती के साथ एक बार फिर वापस हाजिर हूं मैं। और आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं कौन सी टीम फाइनल के कितने करीब पहुंच चुकी है। एबीबीएस बैंगलोर 200, केसी कॉलेज मुंबई 200, सुराना कॉलेज बैंगलोर 300। अब यहां फिर से गोलमाल होने वाला है क्योंकि फिर से आने वाले हैं अपार 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 अपार। क्या मैं तुम्हारी जगह खड़े रहकर कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड। वैसे भी ये सवाल इतने टेढ़े हैं कि मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ, इसलिए अपने सीधे सवाल लाया हूँ। आप अपने खुद के सवाल लाए? खुद के सवाल खुद बनाकर खुद ही पूछूंगा। एक मिनट रुकना। तैयारी जीत की। बोलो सुबह कैसी रही? हेलो। तो चलिए सवालों की तरफ आते हैं। ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा, कट कर 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 जी। समझे जी। एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों को उसका चुपट कर करना है। दो मजदूर एक गड्ढा खोदने के लिए 2 घंटे लेते हैं, वही खड्डा अगर 4 मजदूर खोदेंगे तो कितना समय लगेगा? 6 घंटा। और सोचो। 6 घंटा। 6 घंटा। 6 घंटा। अबे गड्ढा ऑलरेडी खुद चुका है, तुम मजदूर क्यों खोदेंगे, पागल है क्या? खुदा हुआ खड्डा वापस नहीं खुदा। वैसे एजे जी, जैसे आप आए हैं यहाँ पर, वैसे अमित जी भी आए थे एक बार। अमित जी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और प्लीज ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, एक मिनट, खा नहीं रहा हूं, खुजा रहा हूं। अगला सवाल पूछने से पहले थोड़ा खुजा लेता हूं। एक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी। सामने से घोड़ा आ रहा था 100 किलोमीटर की स्पीड पे। टुटक 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 टुटक। दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तो वो किस स्पीड पे मिलेंगे? 200। सोचो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है क्योंकि मेरे पास सुबह तक का टाइम है और तब मैं जाके पूछूंगा कि बोलो सुबह सुबह कैसी रही। सोचो, 100 की स्पीड पे दोनों है, दोनों टकराते हैं, बोलो क्या होगा आगे? गुरु प्रसाद, बोलो तुम घोड़े की तरफ हो या ट्रेन की तरफ? ट्रेन की तरफ। दोनों की स्पीड 100 की है, दोनों अगर टकराए तो कहाँ मिलेंगे? अपार शक्ति लगाओ अपनी युक्ति। ट्रैक पर मिलेंगे। घोड़ा है वो, गधा नहीं है, वो तो हट जाएगा, ट्रेन अकेली जाएगी ना। अब बोलो तू रू रू रू। मेरे सवाल थोड़े पेचीदा होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। मैं पागल हो जाऊंगा। गुरु प्रसाद जी मुझे सवाल पूछेंगे। अगर 1 घंटे में मैं 4 रोटी खाता हूँ तो 2 घंटे में कितना खाऊंगा? अबे कितना खाएगा तू? बस कर, 2 घंटे में अगर तू 4 रोटियां खाता है तो 4 घंटे में तू कितनी खाएगा? 4 रोटी काफी है मेरे लिए। तूने ही तेरा आंसर दे दिया, मैं जा रहा हूँ। मेरा फोन आ रहा है। अरे नंदिनी कितना म्याव म्याव करोगी? आ रहा हूँ मैं। तुम्हें लेके मैं खास कर खास कर 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 तुम उसका काम। समझ ही पा रही हो? आके समझाता हूँ। ऑलराइट, 2000 तालियां हो जाएं एजे जी के लिए। यार अब यहाँ हम ना खोलने जा रहे हैं मैचिंग की दुकान। क्या है ना, अपनी नॉलेज को याददाश्त से मैच करना है। ये है हमारा राउंड जिसका नाम है मैच किया जाए। इस राउंड का नाम है मैच किया जाए, लेकिन मेक श्योर कि आपकी क्षमता को कोई दूसरी टीम मैच नहीं कर पाए। आई विल टेल यू कि क्या होने वाला है इस राउंड में। मैं कुछ तस्वीरें आपको दूंगा और उसके सामने उनका नाम या काम या कोई रिलेटेड चीज होगी उनसे। आपने बस उन सबको मैच करना है आपस में। एंड यू विल विन 50 पॉइंट्स पर मैच। टोटल 5 है तो मतलब 250 अंक जीत सकते हैं आप। 2 सवाल पूछूंगा आपसे, 250 ईच, मतलब के 500। और कमाल की बात यह है
कि यही 500 अंक आप भी जीत सकते हैं, आप भी जीत सकते हैं और आप भी जीत सकते हैं। इस राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है, सही जवाब देने के लिए आपके पास 40 सेकंड हैं। डोंट फॉरगेट टू ओके योर कॉम्बिनेशंस। आर यू ऑल रेडी? यस सर। तो मैच किया जाए, मैं कह रहा हूं मैच किया जाए। आपका सवाल आ चुका है। अब मैच द पर्सनैलिटीज इन दीज फोटोज विद द कंपनीज दे आर एसोसिएटेड विद। और आपके ऑप्शंस हैं ये, इन तस्वीरों में पर्सनालिटीज और उनकी कंपनियों को मिलाएं। ओके कर दीजिए। आप सब ने अपनी आंसर शीट हमारे सिस्टम में डाल दी है। गुरु प्रसाद एंड संदीप प्रसाद फ्रॉम ABBS बैंगलोर, आपने किसको क्या मैच किया है, देखते हैं इन मैच किया जाए। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेदांता रिसोर्सेज, मिस्टर अनिल अग्रवाल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइरस पुणे वाला, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आदि गोदरेज, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स एंड फाइनली रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी। बिल्कुल सही जवाब है ये। 250 अंक हो चुके हैं आपके, कंग्रेचुलेशंस। एंड राहुल दीक्षित, मिथिल इनामदार, क्या आपको भी 250 अंक मिलने हैं इनाम में या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। कंग्रेचुलेशंस, 250 अंक हो चुके हैं आपके भी। एंड नाउ कमिंग टू भुवन एंड संकीर्त फ्रॉम सुराना कॉलेज बैंगलोर, दिस इज व्हाट देयर शीट लुक्स लाइक। मुबारक हो, 250, 250, 250। अगला सवाल आपके लिए तैयार है। इसमें एक तरफ होंगे ब्रांड्स के नाम, दूसरी तरफ हैं ब्रांड्स के टैगलाइंस। आपकी स्क्रीन पर अब मैच द फॉलोइंग टैगलाइंस विद देयर करेक्ट ब्रांड्स। बजाते रहो किसका टैगलाइन है। योर ब्यूटी आर पैशन, बी 100% श्योर, दाग अच्छे हैं एंड द कंप्लीट मैन। आई थिंक सबने ऑलरेडी कर दिया है। लेट मी शो यू योर शीट्स ऑन द स्क्रीन नाउ। टीम ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेड एफएम बजाते रहो, नायका योर ब्यूटी आर पैशन, डेटॉल 100% श्योर, सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, रेवंस द कंप्लीट मैन। 250 पॉइंट्स हो चुके हैं आपके, कंग्रेचुलेशन। एंड नाउ कमिंग टू राहुल एंड मिथिल फ्रॉम KC कॉलेज मुंबई, आपकी शीट क्या कहती है। सभी के सभी हरे रंग की, सभी की सभी हरी डंडिया। एंड नाउ कमिंग टू भुवन एंड संकीर्त, सुराना कॉलेज बैंगलोर, ये था आपका हाल और बहुत ही अच्छा हाल। आपको भी मिलते हैं 250 अंक, कंग्रेचुलेशन। ये राउंड हो चुका है कंप्लीट। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन तीनों ही टीम का। मैच किया जाए में तीनों ने अपने नंबर भी मैच कर दिए हैं। क्या है स्कोर कार्ड, लेट्स टेक अ लुक। ABBS बैंगलोर 700, KC कॉलेज मुंबई 700, सुराना कॉलेज बैंगलोर 800। तो गाइस, आप सबने पारस पत्थर के बारे में तो सुना ही होगा, जिस चीज को छूता सोने का बना देता। हमारे पास भी नॉलेज का एक पारस पत्थर है। अगर आपको अपने बिजनेस को चमकाना है तो आप इनकी सलाह ले सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइव ऑडियंस हमारे पास है, ये इंसान भी हमारे पास है, तो पूछ लेते हैं लाइव ऑडियंस में से कौन पूछना चाहता है डॉक्टर बिंद्रा से एक सवाल। प्लीज आइए सरकार। क्या है आपका नाम? सर मेरा नाम हैरी शर्मा है। तो चलिए बुला लेते हैं बिंद्रा जी को। बिंद्रा जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, एंड हैरी शर्मा आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी शर्मा जी, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न है कि जब भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वो हमेशा फ्री दिखाई देते हैं, लेकिन सर उनका काम भी हमेशा चलता रहता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे पूरे दिन अपनी सीट पर बैठे रहना पड़ता है, मैं गल्ला छोड़ ही नहीं पाता। सर ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन दीजिए प्लीज। थैंक यू शर्मा जी, आपका प्रश्न है बेसिकली आप गल्ला छोड़ना चाहते हैं।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को स्केल करने के लिए, रीजनल ब्रांड से स्केलेबल ब्रांड बनने के लिए, ठग्गू के लड्डू आज भी कानपुर में ही है, बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर आज भी छोले भटूरे ही बना रहा है, कितने साल हो गए दूसरी ब्रांच से नहीं बना पा रहा है, और आप जाना चाहते हैं, पहले उसके लिए बधाई। इसमें तीन चीजों पर काम करना है, PPT। पहला पी मतलब पीपल, अपनी पीपल को, अपनी मैन पावर को इतना ट्रेन कर दो, उनका स्किल और विल बिल्ड करो कि आपके बिना भी काम होता रहे। दूसरा पी प्रोसेस, प्रोसेस डिफाइन कर दो। जैसे मैकडॉनल्ड्स बर्गर कैसे बनना है उसका पूरा प्रोसेस डिफाइन किया है, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, हर बार काम वैसा ही होना चाहिए। तीसरा, बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि स्पीड और स्केल लाता है। सो पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके पीछे से अपने आप कैसे काम करेंगे, करेंगे नहीं अपने आप काम, उसके लिए आपको चाहिए कि रोज शाम को इनकी रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए। इसको बोलते हैं RBG डैशबोर्ड, रेड ब्लू ग्रीन। कौन सा एम्प्लॉई रेड में है शाम को, कौन सा ब्लू में है, कौन सा ग्रीन में, किसने अपने गोल को आज के अचीव नहीं किया, रेड में चला गया, कौन अपने गोल के टारगेट के आसपास रहा, ब्लू में चला गया, किसने ओवर अचीव कर लिया, बहुत बढ़िया, अरे ग्रीन में चला गया। तो सबको पता रहेगा, अरे लाला जी को रिपोर्ट मिलने वाली है, भैया टारगेट पूरा करो आज का। और उसके बाद अपनी टीम के सारे इंसेंटिव्स को कैश ग्रोथ प्रॉफिट के साथ लिंक कर दो। जब उनको समझ में आएगा कंपनी में ग्रोथ होगी तो मेरी भी होगी, तो वो एम्प्लॉय की जगह ओनर बन के काम करने लगेंगे, आप गल्ला छोड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑपरेशनल काम होंगे आपके पीछे से, उसके लिए अपना एक CEO ऑफिस बनाइए, जहां पे आपका EA और PA बैठा हो, जो आपके लिए वो सारे काम कर सके जो आपके बिना कम से कम हो जाएं। जो PA है वो आपका टाइम टेबल, ट्रैवल, ईमेल, अपॉइंटमेंट, फोन कॉल, फैक्स, फ्रंट डेस्क, क्लाइंट फाइल, क्लाइंट मीटिंग सब रेडी कर देगा। और जो EA है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA फाइनेंस हो, वो डैशबोर्ड, MIS, रिपोर्ट, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग, वो बड़े काम सारे के सारे वो कर लेगा। फिर आप गल्ला छोड़ने में और सक्षम हो जाएंगे। और फिर गल्ला छोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है, ऑटो पायलट करना। जमाना ऑटो पायलट से ऑटो प्रॉफिट का है। अपने बिजनेस को बदलना चाहते हो, उसका फेट आज ही करो उसको ऑटोमेट। आप अगर PPT बना लोगे तुरंत बाहर निकल जाओगे गल्ले से, और बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा। आप दुबई के बीच पर लेमोनेड पियोगे और यहाँ आपकी पेमेंट अपने आप आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। क्या बात है बिंदर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हैरी, थैंक यू सर। वैसा है, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत कमाल का चल रहा है फिलहाल हमारा ये सेमीफाइनल का एपिसोड, एंड आई कैन सी ओह गॉड, हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहां दम था। मैं जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि आज ट्रैफिक कम था। बोलो सुबह कैसी रही? बढ़िया है। अच्छा जल्दी तो आप आ गए, लेकिन आपको पता है ना, हमारे मंच पर अगर आना चाहते हैं आप, स्पेशली इतनी बार अगर आना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट लेकर आना होता है। प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, ये ले प्रोडक्ट, ले सारे प्रोडक्ट, ले 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 सारे प्रोडक्ट, ले ले। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं। नंदिनी नंदिनी तुम गाओ, नंदिनी 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 गाओ गाओ। इतने सारे प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट आप लोगों ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा, पहले सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं इसमें नहीं रखता, वो मैं पहने रखता हूँ। ये ऐसी घड़ी है, 2.5 लाख की कीमत है इसकी। इसकी खासियत यह है कि आप इसमें अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। अपार, बहुत काम आती है ये घड़ी। जब भी कहीं लेट जाता हूँ इसमें टाइम सेट कर लेता हूँ और उनसे बहस करना शुरू कर देता हूँ। हर कोई कन्विंस हो जाता है। अपार, आई लव दिस वॉच। और ये सब क्या है? लेकिन इसमें कांटे नहीं है। भूल है? भूल नहीं है, कांटे भी नहीं है। घड़ी और कांटे, ये तो फिल्म का टाइटल हो गया, घड़ी और कांटे। दूसरा सबसे अच्छा है, छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। बोलो सुबह कैसी रही? कैसी रही? सबसे खास तो ये चादर है, ये कोई आम चादर नहीं, बहुत ही खास चादर है ये। क्या होता है इस चादर से? वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। ये चादर ऐसी है, जितने चाहिए उतने पैर फैलाओ। जस्ट लाइक द बिजनेस, कैपिटल, इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर, ग्रोथ 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 ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ। चादर फ्रॉम दादर।
अब यहाँ से सीधा दादर जाओ। चलिए तो फिर खेल में बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा आखिरी राउंड जिसका नाम है रिस्क बाजी। रिस्क बाजी में मैं 6 सब्जेक्ट्स आपको दूंगा, आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं जो आपको लगता है दैट दिस इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप 50 से लेकर 200 तक अंक लगा सकते हैं, जितने भी लगाएंगे वो डबल हो जाएंगे अगर सही जवाब देंगे, अगर गलत जवाब देंगे तो वही अंक कट जाएंगे। और सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकेंड। गुरु प्रसाद एंड संदीप प्रसाद फ्रॉम ABBS बैंगलोर, कौन सा है आपका पसंदीदा सब्जेक्ट? टाइकून्स, फाउंडर्स, MNCs, फूड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, लीडरशिप? ऑटोमोबाइल। कितने अंक के लिए? 100 सर। 100 अंक के लिए ऑटोमोबाइल्स का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नाउ। किस टेक अरबपति ने भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की मांग की है? एलॉन मस्क। सही जवाब है, कांग्रेचुलेशन। राहुल एंड मिथिल, कितने अंक और कौन सा सब्जेक्ट? प्लीज टेल मी। टाइकून्स फॉर 100। टाइकून्स फॉर 100, सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर नाउ। विच इंडस्ट्रियलिस्ट फाउंडेड द एनजीओ नेम्ड नन्ही कली विच प्रोवाइड्स एजुकेशन टू पुअर गर्ल्स? किस उद्योगपति ने नन्ही कली नाम की एनजीओ की स्थापना की जो गरीब लड़कियों को शिक्षा प्रदान करती है? रतन टाटा इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आनंद महिंद्रा इज द करेक्ट आंसर। आपने 100 अंक गवा दिए हैं फिलहाल के लिए। भुवन एंड संकीर्त, कितने अंक के लिए कौन सा सवाल बताइए मुझे? फाउंडर्स 100। फाउंडर्स से रिलेटेड सवाल 100 अंक के लिए ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी नायका? फाल्गुनी नायक। फाल्गुनी नायर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कांग्रेचुलेशंस। Alright, रिस्क बाजी हो चुका है समाप्त। और क्या है स्कोर्स? ABBS बैंगलोर 800 पर, KC कॉलेज मुंबई 600 पर, सुराना कॉलेज बैंगलोर 900, एंड नाउ कमिंग टू बोनस पॉइंट्स। 50 50 50 अंक तीनों के ले रहा हूं, और 150 अंक का ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं, पूछेंगे बिंद्रा साहब स्वयं। बजर पर रखिए हाथ, अगर सही जवाब दिया तो प्लस 150, एंड कैरी फॉरवर्ड होकर दोबारा से एक क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। बिंद्रा जी, क्या आप है तैयार? बिकॉज आपका ये सवाल डिसाइड करने वाला है कि कौन जीतेगा ये सेमीफाइनल एपिसोड। लेट्स गेट रेडी। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान की बात चल रही है। आफ्टर द एग्जिट ऑफ विच फास्ट फूड चेन फ्रॉम रशिया इन 2022 डिड अ न्यू चेन हूज नेम ट्रांसलेट्स टू टेस्टी एंड दैट्स इट took its place? McDonald's? मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कैसे पता था आपको आंसर? ये क्राइसिस मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये 2014 से ही चल रहा है, क्रीमियन क्राइसिस के टाइम से। सो आई हैव बीन फॉलोइंग दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। थंडरस अप्लॉज फॉर यू। थैंक यू सर। अनएक्सपेक्टेड। फैंटास्टिक मिथिल। देखिए, ये कहानी बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन की है, क्योंकि ये नाम आपको पता है, मैकडॉनल्ड्स, आपने ठीक उत्तर दे दिया। तो ये अमेरिकन बर्गर फास्ट फूड ब्रांड रशिया में वॉर के दौरान बुरा मान गया था कि आपको यूक्रेन से युद्ध नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। इनके 800 रेस्टोरेंट थे, और अच्छी बात यह है, हैरानी की बात है कि $2 बिलियन विच इज 10% ऑफ देयर ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन केवल रशिया से आ रहा था। बावजूद उसके एथिकल रीजन के चलते ये जिस लाइसेंसी पार्टनर यानी कि अलेक्जेंडर गोवर जिसके साथ मिलके ये रशिया के अंदर अपने चेन को रन कर रहे थे, इन्होंने अलेक्जेंडर के साथ बात किया और उसी को ये वापस बेच दिया। अलेक्जेंडर ने इन मैकडॉनल्ड्स के 60,000 एम्प्लॉयज को 2 साल तक अपने साथ कंटिन्यू रखने की शर्त पे अग्री किया, कंपनी को रीब्रांड किया। लेकर आए हैं ये हैप्पी मील, किसी भी आउटलेट पर चले जाओ आपको हमेशा मिलेगी भीड़। बर्गर, फ्राइज, आइसक्रीम, सब कुछ है सुपरहिट। इनकी टैगलाइन खुद ही कहती है आई एम लविंग इट। तो मैकडॉनल्ड इज द फास्ट फूड चेन दैट एग्जिटेड फ्रॉम रशिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बिंद्रा साहब, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिविया। अब है बारी फाइनल स्कोर्स की। ABBS बैंगलोर 750, KC कॉलेज मुंबई 700, एंड
सुराना कॉलेज बैंगलोर 850। For now, संदीप प्रसाद एंड गुरु प्रसाद प्लीज कम फॉरवर्ड। अफकोर्स यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, इनको मिल रहा है बड़ा बिजनेस की तरफ से फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप with access to their premium content worth ₹2.25 lakhs. Thank you so much for coming over. It was a pleasure having you. Thank you. And next up is Rahul and Mithil. Aapko mil raha hai bada business ki taraf se free lifetime membership with access to their premium content worth ₹2.25 lakhs. Thank you so much. Thank you, sir. Bahut acha laga aap dono ko milkar. Sort. कौन जीता है हमारा ये सेमीफाइनल एपिसोड, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर भुवन एंड संकीत फ्रॉम सुराना कॉलेज बैंगलोर। आजा। AJ जी कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। आखिर संकीत तो जीत ही गया। भुवन जी, जी जी, जीत के बाद क्या कीजिएगा? जीत के बाद सोऊंगा। एक बात याद रखना, हाँ, मेरी वाली चादर यूज कर रहा है। और सुबह उठ के मुझे कहना कि सुबह नहीं रात कैसी रही। On that note, guys, we had a fantastic 7-point episode. See you in the next one. ग्रैंड फिनाले में दोबारा से मुलाकात होगी जल्द ही विद दीज टू कंटेस्टेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जिंदगी और दुनियादारी, बिजनेस की जानकारी, साथ में बेशुमार एंटरटेनमेंट का ये मंच आ चुका है अपने ग्रैंड फिनाले में। आज चुना जाएगा बिजनेस बाजी का विजेता, जिसे मिलेंगे 10 लाख रुपए और विजेता की वो शानदार ट्रॉफी। कल पार्टी में क्या मजा आया मेरे को यार। कौन सी पार्टी? फुल धमाल किया हम लोग ने पार्टी, सब सेलिब्रिटी लोग अंदर पार्टी में। नीनी दुनु कैसे आया था? वो आया था जामयूथ विद्योल। मेहनत करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये ट्रॉफी पे तेरा ही हक है। तीन तीन सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल के दो ऑप्शंस होंगे, ट्रू फॉल्स, खरा खोटा। 40 सेकंड के अंदर आपने देना है सही जवाब। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये मुश्किल होने वाला है या आसान, आपकी स्क्रीन पर अभी पता लग जाएगा हमें।